और निकली है तो चांद तक जाएगी तेरे तारों से मेरी। भाइयों बहनों वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, और ये मेरा आम डेली रूटीन का व्लॉग है। और ईद वाला व्लॉग मैंने अभी अभी एडिट करके पोस्ट किया है, नहीं कल पोस्ट किया, तो काफ़ी देर हो चुकी है। तो बस आज के दिन में कुछ भी नहीं हो रहा था, अभी मैं बैठा हुआ यहाँ पर लैपटॉप यूज़ कर रहा था बस। अब मुझे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मैं सोचा है डेली एक्सरसाइज भी करे बंदा, इससे ये होता है बंदा घर में पड़े पड़े सुस्त हो जाता है, तो एक्सरसाइज करेंगे तो एक्टिव रहेंगे। तो आज एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है एक्सरसाइज में। मैं वाली एक्सरसाइज करूँगा जिस जो फ़ोन में दिखाते हैं, क्योंकि रियल एक्सरसाइज मुझे आती भी नहीं है। और अभी मैं जिम ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ, मगर जिम ज्वाइन करने का फिर ये मसला है कि कद छोटा रह जाता है, हज़ार मसले होते हैं, फिर इससे अच्छा बंदा घर में ही एक्सरसाइज करे। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल में से हर चीज़ आ जाती है, तो मेरा इरादा है ये करने का, तो देखते हैं क्या होता है। सुबह एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं सो गया था। तो अभी उठे भी तो खैर मुझे काफ़ी देर हो गई है, 9 बजे उठा था मैं, और 12:30 हो रहे हैं, और करने को कुछ है नहीं। सफाई हो चुकी है, मासी आ चुकी थी, सफाई हो गई है। आज अचानक हमें सरप्राइज़ मिला कि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। लोगों के यहाँ पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आते हैं, हमारे यहाँ 4th दिन आ रहे हैं। वाह भाई, देखते हैं आज क्या होता है। आज तो सिर्फ नॉर्मल व्लॉग है, ईद व्लॉग नहीं है, मतलब खैर ईद का 4th दिन कहलाएगा। जो 5 दिन की ईद मनाते हैं उनके लिए 4th दिन है, और जो 3 दिन की मनाते हैं उनके लिए आज आम दिन है। हम तो खैर 3 दिन की बनाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ईद ही नहीं मिलती, किसी से भी ईद ही नहीं निकलती उसके बाद ना। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। हाँ तो पता नहीं अम्मी ऊपर गई हैं, तो चलो ऊपर देख के आते हैं अम्मी को क्या कर रही हैं। हम आए हैं नाया के पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप लोग बने क्यों क्यों उठी हो चलिए। अभी चौके उठिए, एक मुंह बना हुआ है। अनाभिया आओ, अनाभिया आओ, आ जाओ, ये तो बुरे बोल रहे हैं, चाइनीज बच्ची हमारी। अनाभिया आओ, तो ये है अनाभिया, आज तैयार हो गई है। और अनाया तो पता नहीं क्या ही करती रहती है, कभी पी क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो ये तो ना अपना बेटा, मैं अम्मी का है तो नहीं नीचे, तो अम्मी तो पढ़ नहीं है, तो शायद नीचे ही हो, दिखी नहीं मुझे, देखते हैं कहाँ है अम्मी। है मुझसे पहले तो इसका भागना होता है, भाग रही है फौरन नीचे, तैयार हुई नहीं नीचे, सुबह सुबह तैयार होकर नीचे आ जाती है और सबकी ज़िंदगी आराम करती है। आ जाओ, जुम्मे का दिन और मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने सुबह जुम्मा मुबारक भी नहीं कहा, और जुम्मा मुबारक, रमज़ान के बाद पहला जुम्मा है। तो कपड़े वपड़े देखते हैं क्या पहनने क्या नहीं पहनने। तो यहाँ कमरे में आया हूँ, एक तो ये दरवाज़ा चूँ 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 करता रहता है। मैं सोच रहा हूँ जो ईद पे कुर्ता पहना था ना वही पहन लूँ, क्योंकि वो गंदा भी इतना नहीं हुआ, और 2 दफ़ा ही पहना था मैंने ईद पे। अपनी पैंट शर्ट भी नहीं पहनी, और दोनों पैंट शर्ट ही नहीं पहनी। आज शादी में जाऊँगा तो वो पैंट शर्ट आज पहनूँगा। ईद वाली मैंने कोई भी कपड़े, बहुत कम कपड़े पहने, सिर्फ इन शलवार कमीज़ पहनी है, क्योंकि यही मुझ पर इतनी प्यारी लगी थी माशाल्लाह से। पहली बार कॉटन का सूट सिलवाया और माशाल्लाह से मुझ पर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद नहीं थी कि अच्छा लगेगा, क्योंकि दर्जी ने रेड़ लगा दी थी, मैंने आपको बताया था, मगर खैर बचत हो गई, कह सकते हैं कि बचत हो गई। तो बस अभी ये है कि जुम्मे की तैयारी करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं जुम्मे पर। सबको जुम्मा मुबारक, और जुम्मा पढ़ के आ चुके हैं, वो ईद वाला कुर्ता मैंने पहन लिया था। और गर्मी इतनी हो रही है, थूक के ना चमोटे पड़ रहे हैं, चमोटे ही चमोटे पड़ रहे हैं। मेहमान अभी तक आए नहीं है, शहर से आ रहे हैं, फिर देखते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, फिर मिलते हैं आज, फिर देखते हैं क्या होता है। उनके उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है, वो लोग आ जाएँ तो फिर थोड़ा सा इंजॉय हो जाएगा। खैर मेरी उम्र का तो कोई भी नहीं आ रहा, सारे बड़े बड़े आ रहे हैं, मेरी उम्र का कोई है ही नहीं, ख़ानदान में भी नहीं है, ननियाल में भी नहीं है, ददियाल में भी नहीं है, जो हैं मेरी उम्र के वो उनके अल्लाह माफ़ करे। आजकल के बच्चे आपको पता है कैसे, तो उनके क्या क्या कहूँ, कुछ नहीं है कहने के लिए, कुछ नहीं है। तो हम सारे मेहमानों के खाने की तैयारी कर रहे थे बस। हाँ तो सारे मेहमान आए हुए हैं, हम फारिग बैठे हुए हैं करने को,
कुछ है नहीं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी और भी मेहमान आए हैं, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं वो भी आए हैं। आया एक तो आवाज़ें लगती रहती हैं। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ये समझो ईद के 5वें दिन का ब्लॉग है। कल का ब्लॉग मैंने डाला नहीं था, तो मैं सोचा कि आज का और कल का मिक्स करके डालूँगा। तो सुबह उठ गया था मैं जल्दी, नाश्ता भी कर लिया है, अब करने को कुछ है ही नहीं, क्या करे बंदा, बोरियत हो रही है, नींद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ दोबारा से सो जाऊँ, मगर खैर अभी तो नहीं सोना, सो जाता हूँ। हाँ देखते हैं क्या होता है, उठता हूँ तो फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है बाय। तो मैं सो के उठ चुका हूँ, सुबह मैं सो गया था और मैं उठा तो काफ़ी देर का हूँ, 1 बजे उठ गया था। तो व्लॉग अभी अभी स्टार्ट किया, टाइम ही नहीं मिला और ऊपर से मानी देखे हंस रही है मुझे। तो हमारे कज़न आए हैं कुछ, तो उनसे मिल पाते हैं अगर हुआ तो, वरना तो कोई नहीं। और भूख लग रही है बहुत तेज की, और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पड़ा हुआ है केक और मिठाई, मगर खा नहीं सकते, अम्मी गला दबा देंगे, गला क्या कह सकते हैं। और करने को कुछ है नहीं मेरे पास, छालियाँ खा रहा हूँ इसलिए मुँह चल रहा है मेरा, मैं बक रहा हूँ भाई, मैं कुछ ना कुछ खाते ही रहता। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने थैली भर के सर ये चीज़ खाई। हमारे यहाँ आया था हलीम, पता नहीं कहाँ से आया था मुझे नहीं पता, मगर खुदा की कसम इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया मुझे तो, बहुत मज़े का लगा पर्सनली। पता नहीं कहाँ से आया, पूछता हूँ मम्मी से, बहुत ज़्यादा मज़े का है। आज का दिन भी बस ऐसे ही गुजर रहा है, थोड़ा थोड़ा चुकी चुकी देखते हैं क्या होता है। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और टाइम हो रहा है आई थिंक 10 बज रहे हैं, तो ये व्लॉग मैं एंड करके अपलोड कर रहा हूँ। और क्या बाल, क्या यार ये नहा क्या हो जब मसला, नहा के ना हो जब मसला। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और आज के दिन भी कुछ खास नहीं है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा व्लॉग के अंदर लिखूँ क्या, किस नाम से व्लॉग लिखूँ, क्या करें अब आप लोग बताओ यार, कुछ हुआ ही नहीं यार। ये कि मैं ट्यूशन जाना शुरू कर देता हूँ, ईद तो ख़त्म हो गई है क्योंकि रमज़ान की वजह से ट्यूशन नहीं जा पा रहा था, तो अब ट्यूशन जाना शुरू करता हूँ, तो फिर ये कि फिर वहाँ का थोड़ा सा हो जाएगा कुछ। अब जाहिर सी बात है घर में बच्चे ऐसे शरारती हैं, उनके सामने कैमरा खोलते हैं मज़ा भी नहीं आता, कि बच्चे अच्छे हों तो भाई चलो कैमरा भी खोल लेते हैं। तो अब ये कि मेरा कज़न आया हुआ है, आपको उससे मिलवाता हूँ। हाँ तो तैमूर आ चुका है, आपको तैमूर से मिलवाते हैं। ये मेरी अम्मी की खालाजाद बहन, नहीं खालाजाद, अम्मी की खालाजाद बहन का बेटा है ये। अस्सलाम वालेकुम। तो ये लोग आए हुए हैं हमारे घर पर रुकने के लिए, कल आए थे तो कल से अब तक ये लोग रुके हुए हैं। और ये भी बैठा हुआ बेचारा अपना टिकटॉक यूज़ कर रहा है, इसके पास भी करने को कुछ नहीं है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, मेरे पास ये करने को कुछ भी नहीं था। तो मैं सोचा व्लॉग एंड कर दूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, अब है सोने का टाइम, तो ये क्या सोने की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल नए व्लॉग में। और ये मैं व्लॉग दो एक साथ डाल लूँ, क्योंकि अगर कम बन रहा है तो फिर जाहिर सी बात है दो व्लॉग एक साथ ही डालने पड़े, वरना तो 2 मिनट का 3 मिनट का व्लॉग बनेगा, फ़ायदा है ऐसे व्लॉग का, इससे अच्छा दो व्लॉग का। और लाइक्स यार, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स अच्छे नहीं आ रहे, फिर मैं वही बात बोलूँगा, क्योंकि देखो 25 व्यूज़ पे 6 लाइक्स कोई अहमियत नहीं रखते, 25 व्यूज़ पे कम अज़ कम 20 लाइक तो होने चाहिए, तो लाइक्स करो यार, आगे से आगे लोगों को दो। मैं देख रहा हूँ मेरे ख़ानदान में काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, खानदान वाले भी देखे ना यार, जिनको मैंने नहीं भी भेजा वो भी देख रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है, सब सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कल क्या होता है, कल या परसों क्या होता है। मिलते हैं, बाय बाय।